नमस्कार प्रिय साथियों, मेरी माताएं, बहनों, भाइयों, बुजुर्ग, वृद्ध, जितने भी हस्तरेखा से जुड़े हुए हमारे हृदय से प्रेमी लोग हैं, उनको मेरा प्रणाम। और आयु, कर्म, वित्त, धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्यता, कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, कितने बच्चे होंगे, कितना धन मिलेगा, इन सबको सरल रूप से बताने के लिए ही हमने अपना चैनल बनाया है। और इस चैनल में हस्तरेखा की संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है, नौ ग्रहों के बारे में बताया जाता है और जीवन रेखा के बारे में बताया जाता है। मणिवंश से निकलकर सीधा सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के बीच तक जो रेखा जाए उसको भाग्य रेखा कहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं भाग्य रेखा। अत्यंत भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनके हाथ में भाग्य रेखा होती है। और हमारे कैमरामैन भी अब देखने लग गए हैं कि हमारे हाथ में भाग्य रेखा है नहीं है। तो इसी को बोलते हैं हस्तरेखा में जिज्ञासा होना। और आज बड़े ही तीर्थों के राजा प्रयागराज में आज हम संगम के तट पर बैठे हुए हैं और माँ गंगा के पावन सानिध्य में बैठे हुए हैं। भगवान सूर्य नारायण उदित हुए हुए हैं और हमारे साथ परशुराम जी का पूरा फरसा रखा हुआ है। यदि किसी दुष्ट ने, किसी प्रकार से यवन ने, जैसे यवन त्रासियन, यवन भैया ने, दुष्टों ने कितना आक्रमण किया भारत पर, और देखिए जैसे जैसे आप आगे समय, पिछले समय में जाएंगे, वहां पर ब्राह्मणों के जनेऊ को जलाया गया। ब्राह्मण के जो जनेऊ हैं इनको जलाया गया। और जो ब्राह्मण अपने नित्य कर्म में कर्मनिष्ठ थे उन्होंने उस मृत्यु को स्वीकार किया और कन्वर्ट होकर मुसलमान नहीं बने। ये बड़ा ही शुभ अवसर है और ये राम राज्य ही आ चुका है कि भगवान रामलला का राम मंदिर बन चुका है। और अब बेबी यहाँ पर नहीं है जिन्होंने गोलियां चलवाई थी राम मंदिर वालों पर। और धीरे धीरे सब कुछ परिवर्तन हो गया है और राम राज्य आ गया है। मोदी जी और योगी जी को मैं हृदय से प्रणाम करना चाहता हूं और देश के सभी महान विभूतियों को, महान संतों को मैं हृदय से शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, जिनके परिश्रम से राम मंदिर बन पाया। तो हम बात कर रहे थे भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर सूर्य तक जाती है और जिनके हाथ में होती है अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। भाग्य रेखा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, यदि भाग्य रेखा टूटी हुई है तो जीवन में दिक्कतें आएंगी, 100% दिक्कत आएंगी। वहीं पर जीवन रेखा यदि सीधी है, सतर्क है और एक स्वस्थ जीवन रेखा है तो भाग्य प्रबल रहेगा। कहीं भी जाएगा वो आदमी गरीब से अमीर बन जाएगा। तो गरीब घर में जन्म होना कोई दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन व्यक्ति मरने के उपरांत भी गरीब रह जाना, मरते समय तक गरीब रह जाना, वो उसकी अपनी खुद की कमी है। क्योंकि इस संसार में आने के बाद यदि उसने कुछ परिश्रम नहीं किया, कुछ अच्छे कर्म नहीं किए, सत्कर्म नहीं किए, तो वो बिल्कुल पशु के तरह है, खाली बस इसमें विचरण कर रहा है, पृथ्वी पर उसका बोझ माना गया है। और ये सब अलग विषय है। हम हस्तरेखा को आसानी से सिखाने की बात कर रहे हैं तो आप भाग्य रेखा को देखना सीख जाएं, भाग्य रेखा जिसके हाथ में प्रबल है, और इसकी आयु को समझना स्टार्ट कर दें। भाग्य रेखा की अपनी अपनी आयु है और हृदय रेखा की अपनी अलग आयु है और मस्तिष्क रेखा की अपनी अलग आयु है। इन आयु की चर्चा हमने अलग वीडियो में की है, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं सिर्फ भाग्य रेखा की चर्चा कर रहे हैं। भाग्य रेखा यदि मणिबंध से निकलकर बुद्ध पर्वत की ओर चली जाए, ये बुद्ध पर्वत होता है कनिष्ठ का उंगली के नीचे, ये देखिए, यदि ये बुद्ध पर्वत पर चली जाए तो निश्चित रूप से आदमी व्यापारी होगा, व्यापारी बुद्धि वाला होगा और बड़े बड़े व्यापारों को डीलिंग करने वाला होगा। और वाणी इतनी मधुर होगी कि बहुत ज्यादा मधुर होगी, जिससे कि वो अपने सब काम कर पाएगा। मणिबंध से निकलकर एक रेखा यदि बृहस्पति पर चली जाए, ये इंडेक्स फिंगर के नीचे बृहस्पति पर्वत होता है, यदि बृहस्पति पर्वत पर कोई रेखा चली जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति टीचर होगा। टीचर नहीं होगा तो फिर आपको देखने के लिए मिलेगा बड़े बड़े ग्रुपों की लीडिंग वो करता होगा। सूर्य पर चली जाए तो आईएएस, पीसीएस अधिकारी और जितने जितने मोदी, योगी जितने भी हैं, ये सब कनिष्ठ का उंगली के नीचे, कनिष्ठ का उंगली के बगल में जो अनामिका उंगली है उसके नीचे सूर्य पर्वत होता है, ये सूर्य पर्वत है। इस सूर्य पर्वत पर यदि भाग्य रेखा चली जाए तो प्रधानमंत्री तक बन सकता है आदमी, एक नॉर्मल आदमी से। और उदाहरण के तौर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि वो उनका बैकग्राउंड कोई कांग्रेस वाला नहीं रहा है, उन्होंने छोटे से कदम बढ़ा बढ़ाकर एक ऊंचे लेवल को प्राप्त किया है। उसके बाद यदि हम बात करें तो अभिनेता अमिताभ बच्चन, ये सब एक्टर बैठे थे राम मंदिर में बगल में, उनके हाथ की रेखाएं कौन सी होंगी, तो भाग्य रेखा उनकी शुक्र पर्वत पर गई होगी, जिससे कि उनपे गाड़ी है, बंगला है, लेकिन पावर वो वाली नहीं है जो मोदी जी में जो पावर है, योगी जी में पावर है, वो उनमें नहीं है। तो भाग्य रेखा को आप अच्छे से समझ गए होंगे। समझने के लिए हृदय से धन्यवाद। आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय दादा परशुराम।